नमस्कार। केम छे गुजरात में ठंडी वंडी छे कि नहीं? गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, मुख्यमंत्री श्रीमान विजय भाई रूपाणी, विधानसभा स्पीकर श्री राजेंद्र त्रिवेदी जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, डिप्टी सीएम भाई नितिन पटेल जी, मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्रीमान अश्विनी चौबे जी, मनसुख भाई मांडविया, पुरुषोत्तम रूपाला, गुजरात सरकार में मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा, श्री किशोर कानाणी, अन्य सभी मंत्रीगण, सांसदगण, धारासभ्यगण, अन्य सभी महानुभाव भाइयों और बहनों, नया साल दस्तक दे रहा है। आज देश के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने वाली एक और कड़ी जुड़ रही है। राजकोट में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का शिलान्यास गुजरात के साथ साथ पूरे देश में स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन के नेटवर्क को उसके कारण बल मिलेगा। भाइयों और बहनों, साल 2020 को एक नई नेशनल हेल्थ फैसिलिटी के साथ विदाई देना इस साल की चुनौतियों को भी दर्शाता है और नए साल की प्राथमिकताओं को भी स्पष्ट करता है। ये साल पूरी दुनिया के लिए स्वास्थ्य के रूप में अभूतपूर्व चुनौतियों का साल रहा है। इस साल ने दिखाया है कि स्वास्थ्य ही संपदा है, ये कथा हमें हमारे पूर्वजों ने क्यों सिखाई है, ये हमें बार बार क्यों रटाया गया है, ये 2020 ने हमें भली भांति सिखा दिया। स्वास्थ्य पर जब चोट होती है तो जीवन का हर पहलू बुरी तरह से प्रभावित होता है, और सिर्फ परिवार नहीं, पूरा सामाजिक दायरा उसकी लपेट में आ जाता है। और इसलिए साल का यह अंतिम दिन भारत के उन लाखों डॉक्टर्स, हेल्थ वॉरियर्स, सफाई कर्मियों, दवा दुकानों में काम करने वाले और दूसरे फ्रंटलाइन कोरोना योद्धाओं को याद करने का है, जो मानवता की रक्षा के लिए लगातार अपने जीवन को दांव पर लगा रहे हैं। कर्तव्य पथ पर जिन साथियों ने अपना जीवन दे दिया है, मैं आज उन सबको आदरपूर्वक नमन करता हूं। आज देश उन साथियों को, उन वैज्ञानिकों को, उन कर्मचारियों को भी बार बार याद कर रहा है, जो कोरोना से लड़ाई के लिए जरूरी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में दिन रात जुटे रहे हैं। आज का दिन उन सभी साथियों की सराहना का है जिन्होंने इस मुश्किल दौर में गरीब तक भोजन और दूसरी सुविधाएं पहुंचाने में पूरे समर्पण के साथ काम किया। इतना लंबा समय, इतनी बड़ी आपदा, लेकिन ये समाज की सामूहिक संगठित ताकत, समाज का सेवा भाव,
समाज की संवेदनशीलता उसी का नतीजा है कि देशवासियों ने किसी गरीब को भी इस कठिनाई भरे दिनों में रात को भूखा सोने नहीं दिया। ये सब नमन के पात्र हैं, आदर के पात्र हैं। साथियों, मुश्किल भरे इस साल ने दिखाया है कि भारत जब एकजुट होता है तो मुश्किल से मुश्किल संकट का सामना को उस सामना वो कितनी प्रभावी तरीके से कर सकता है। भारत ने एकजुटता के साथ जिस प्रकार समय पर प्रभावी कदम उठाए उसी का परिणाम है कि आज हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं। जिस देश में 130 करोड़ से ज्यादा लोग हों, घनी आबादी हो, वहां करीब करीब 1 करोड़ लोग इस बीमारी से लड़कर जीत चुके हैं। कोरोना से पीड़ित साथियों को बचाने का भारत का रिकॉर्ड दुनिया से बहुत बेहतर रहा है। वहीं अब संक्रमण के मामले में भी भारत लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। भाइयों और बहनों, साल 2020 में संक्रमण की निराशा थी, चिंताएं थी, चारों तरफ सवालिया निशान थे। 2020 की वो पहचान बन गई, लेकिन 2021 इलाज की आशा लेकर के आ रहा है। वैक्सीन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारियां चल रही है। भारत में बनी वैक्सीन तेजी से हर जरूरी वर्ग तक पहुंचे, इसके लिए कोशिशें अंतिम चरणों में हैं। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने के लिए भारत की तैयारियां जोरों पर है। मुझे विश्वास है कि जिस तरह बीते साल संक्रमण से रोकने के लिए हमने एकजुट होकर प्रयास किए, उसी तरह टीकाकरण को सफल बनाने के लिए भी पूरा भारत एकजुटता से आगे बढ़ेगा। साथियों, गुजरात में भी संक्रमण को रोकने के लिए और अब टीकाकरण के लिए तैयारियों को लेकर प्रशंसनीय काम हुआ है। बीते 2 दशकों में जिस प्रकार का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरात में तैयार हुआ है, वो एक बड़ी वजह है कि गुजरात कोरोना चुनौती से बेहतर तरीके से निपट पा रहा है। एम्स, राजकोट गुजरात के हेल्थ नेटवर्क को और सशक्त करेगा, मजबूत करेगा। अब गंभीर से गंभीर बीमारियों के लिए राजकोट में ही आधुनिक सुविधा उपलब्ध हो रही है। इलाज और शिक्षा के अलावा इससे रोजगार के भी अनेक अवसर तैयार होंगे। नए अस्पताल में काम करने वाले लगभग 5,000 सीधे रोजगार उपलब्ध होंगे। इसके साथ साथ रहन सहन, खाने पीने, ट्रांसपोर्ट, दूसरी मेडिकल सुविधाओं से जुड़े अनेक अप्रत्यक्ष रोजगार भी यहां बनेंगे। और हमने देखा है कि जहां बड़ा अस्पताल होता है तो उसके बाहर एक छोटा शहर ही बस जाता है। भाइयों और बहनों, मेडिकल सेक्टर में गुजरात की इस सफलता के पीछे 2 दशकों का अनवरत प्रयास है।
समर्पण और संकल्प है। बीते 6 सालों में पूरे देश में जिस इलाज और मेडिकल एजुकेशन को लेकर जिस स्केल पर काम हुआ है उसका निश्चित लाभ गुजरात को भी मिल रहा है। साथियों, बड़े अस्पतालों की स्थिति, उन पर दबाव से आप भी भलीभांति परिचित हैं। स्थिति ये थी कि आजादी के इतने दशकों के बाद भी सिर्फ 6 एम्स ही बन पाए थे। 2003 में अटल जी की सरकार ने 6 और एम्स बनाने के लिए कदम उठाए थे। उनके बनाते बनाते 2012 आ गया था, यानी 9 साल लग गए थे। बीते 6 सालों में 10 नए एम्स बनाने पर काम शुरू कर चुके हैं, जिनमें से कई आज पूरी तरह से काम शुरू कर चुके हैं। एम्स के साथ साथ देश में 20 एम्स जैसे ही सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स का निर्माण भी किया जा रहा है। साथियों, साल 2014 से पहले हमारा हेल्थ सेक्टर अलग अलग दिशा में अलग अलग अप्रोच के साथ काम कर रहा था। प्राइमरी हेल्थ केयर का अपना सिस्टम था, गांवों में सुविधाएं न के बराबर थी। हमने हेल्थ सेक्टर में हॉस्पिटल होलिस्टिक तरीके से काम करना शुरू किया। हमने जहां एक तरफ प्रिवेंटिव केयर पर बल दिया, वहीं इलाज की आधुनिक सुविधाओं को भी प्राथमिकता दी। हमने जहां गरीब का इलाज पर होने वाला खर्च कम किया, वहीं इस बात पर भी जोर दिया कि डॉक्टरों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो। साथियों, आयुष्मान भारत योजना के तहत देश भर के दूरदराज के इलाकों में लगभग 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने के लिए काम तेजी से चल रहा है। अभी तक इनमें से 50,000 सेंटर सेवा देना शुरू भी कर चुके हैं। लगभग 5,000 गुजरात में ही हैं। इस योजना से अब तक देश के करीब 1.5 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिला है। इस योजना ने गरीब भाई बहनों की कितनी बड़ी मदद की है, इसके लिए एक आंकड़ा मैं देश को बताना चाहता हूं। साथियों, आयुष्मान भारत योजना से गरीबों के लगभग 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बचे हैं। 30,000 करोड़ रुपए, ये बहुत बड़ा रकम है। आप सोचिए, इस योजना ने गरीबों को कितनी बड़ी आर्थिक चिंता से मुक्त किया है। कैंसर हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, किडनी की परेशानी हो, अनेकों गंभीर बीमारियों का इलाज मेरे देश के गरीबों ने मुफ्त कराया है, और वो भी अच्छी अस्पतालों में। साथियों, बीमारी के दौरान गरीबों का एक और साथी है जन औषधि केंद्र। देश में लगभग 7,000 जन औषधि केंद्र गरीबों को बहुत ही कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध करा रहे हैं। इन जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां करीब करीब 90% तक सस्ती होती हैं, यानी 100 रुपए की दवाई 10 रुपए में मिलती है। 3.5 लाख से ज्यादा गरीब मरीज हर रोज इन जन औषधि केंद्रों का लाभ ले रहे हैं,
और इन केंद्रों की सस्ती दवाइयों की वजह से गरीबों के हर साल औसतन एवरेज 3600 करोड़ रुपए खर्च होने से बच रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी मदद हो रही है। वैसे कुछ लोगों के मन में सवाल उठ सकता है कि आखिर सरकार इलाज का खर्च कम करने, दवाइयों पर होने वाले खर्च को कम करने पर इतना जोर क्यों दे रही है। साथियों, हम में से अधिकांश उसी पृष्ठभूमि से निकले लोग हैं। गरीब और मध्यम वर्ग में इलाज का खर्च हमेशा से बहुत बड़ी चिंता रहा है। जब किसी गरीब को गंभीर बीमारी होती है तो इस बात की संभावना बहुत ज्यादा होती है कि वो अपना इलाज कराए ही नहीं। इलाज के लिए पैसे ना होना, घर के अन्य खर्च, अपनी जिम्मेदारियों की चिंता व्यक्ति के व्यवहार में ये बदलाव ला ही देती है। और हमने देखा है, जब गरीब बीमार हो जाता है, पैसे नहीं होते हैं, तो क्या करता है? दोरे धागे की दुनिया में चला जाता है, पूजा पाठ की दुनिया में चला जाता है। उसको लगता है शायद वहीं से बच जाऊंगा, लेकिन वो इसलिए जाता है। हम ये ना कहें कि वो अंधश्रद्धा है, वो इसलिए जाता है कि उसके पास सही जगह पर जाने के लिए पैसे नहीं है, गरीबी उसको परेशान कर रही है। साथियों, हमने ये भी देखा है कि जो व्यवहार पैसे की कमी की वजह से बदल जाता है, वही व्यवहार जब गरीब के पास एक सुरक्षा कवच होता है तो वे एक आत्मविश्वास में बदल जाता है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों का इलाज, लोगों की इस चिंता, इस व्यवहार को बदलने में सफल रहा है, जिसमें वो पैसे की कमी की वजह से अपना इलाज कराने अस्पताल जाते ही नहीं थे। और कभी कभी तो मैंने देखा है कि घर के जो बुजुर्ग हैं, ज्यादा बुजुर्ग नहीं, 45-50 साल की आयु, बड़े व्यक्ति, वे इसलिए बीमार दवाई नहीं कराते, वो कहते कर्ज हो जाएगा तो सारा कर्ज बच्चों को देना पड़ेगा और बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। बच्चों की जिंदगी बर्बाद न हो, इसलिए कई माँ बाप जीवन भर दर्द झेलते हैं और दर्द में ही मरते हैं, क्योंकि कर्ज ना हो, दर्द झेले लेकिन बच्चों के नसीब में कर्ज ना आए, इसलिए वो ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं। खास पर यह भी सही है कि प्राइवेट हॉस्पिटल जाने की तो गरीब पहले कभी सोच ही नहीं पाता था। आयुष्मान भारत के बाद अब यह भी बदल रहा है। साथियों, अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा का एहसास, इलाज के लिए पैसे की उतनी चिंता का न होना, इसने समाज की सोच को बदल दिया है और हम इसके नतीजे भी देख रहे हैं। आज हेल्थ और वेलनेस को लेकर एक सतर्कता आई है, गंभीरता आई है, और ये सिर्फ शहरों में हो रहा है ऐसा नहीं है। अब दूसरे देश के गांवों में भी अब ये दूर सुदूर हमारे देश के गांवों में भी ये जागरूकता हम देख रहे हैं। व्यवहार में परिवर्तन के ऐसे उदाहरण अन्य क्षेत्रों में भी नजर आ रहे हैं। जैसे शौचालयों की उपलब्धता से लोगों को स्वच्छता के लिए और जागरूक किया है। हर घर जल अभियान लोगों को स्वच्छ पानी सुनिश्चित कर रहा है, पानी से होने वाली बीमारियों को कम कर रहा है। रसोई में गैस पहुंचने के बाद न सिर्फ हमारी बहन बेटियों का स्वास्थ्य सुधर रहा है, बल्कि पूरे परिवार में एक सकारात्मकता की सोच आई है।
ऐसे ही प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के गर्भवती महिलाओं को रेगुलर चेक आपके लिए प्रोत्साहित किया है और चेकअप के कारण उनको पहले से गंभीरता की तरफ इंगित कर दिया जाता है। इसका लाभ ये हो रहा है कि गर्भावस्था के दौरान जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं वो जल्दी पकड़ में आते हैं और उनका समय पर इलाज भी होता है। वहीं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त पोषण मिले, देखभाल मिले। पोषण अभियान ने भी उनमें जागरूकता बढ़ाई है। इन सारे प्रयासों का एक बहुत बड़ा लाभ ये मिला है कि देश में मैटरनल मोर्टालिटी रेट, माता मृत्यु दर पहले के मुकाबले काफी कम हो रहा है। साथियों, सिर्फ आउटकम पर परिणाम पर ही फोकस करना काफी नहीं होता है। इंपैक्ट महत्वपूर्ण है लेकिन इंप्लीमेंटेशन भी उतना ही महत्वपूर्ण है और इसलिए मैं समझता हूं कि व्यवहार में व्यापक परिवर्तन लाने के लिए हमें सबसे पहले प्रोसेस प्रक्रिया में सुधार करना आवश्यक होता है। बीते वर्षों में देश ने इस पर बहुत जोर दिया गया है। इसका नतीजा यह है, हम देख रहे हैं कि देश के हेल्थ सेक्टर में जहां जमीनी स्तर पर बदलाव आ रहा है और लोगों को जो सबसे बड़ी चीज मिली है वो है एक्सेस, स्वास्थ्य सुविधाओं तक उनकी पहुंच। और मैं स्वास्थ्य और शिक्षा के एक्सपर्ट से आज ये भी आग्रह करूंगा कि वो सरकार की इन योजनाओं का बेटियों की एजुकेशन पर जो प्रभाव पड़ा है उसका जरूर अध्ययन करें। ये योजनाएं, ये जागरूकता एक बड़ी वजह है जो स्कूलों में बेटियों के ड्रॉप आउट रेट में कमी ला रही है। साथियों, देश में मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए भी मिशन मोड पर काम चल रहा है। मेडिकल एजुकेशन के मैनेजमेंट में जुड़ी समस्याओं में रिफॉर्म्स किए, पारंपरिक भारतीय चिकित्सा से जुड़ी शिक्षा में भी जरूरी रिफॉर्म्स किए, नेशनल मेडिकल कमीशन बनने के बाद हेल्थ एजुकेशन में क्वालिटी भी बेहतर होगी और क्वांटिटी को लेकर भी प्रगति होगी। ग्रेजुएट्स के लिए नेशनल एग्जिट टेस्ट, उसके साथ साथ 2 साल का पोस्ट एमबीबीएस डिप्लोमा हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर के लिए डिस्ट्रिक्ट रेसिडेंसी स्कीम हो, ऐसे नए कदमों से जरूरत और गुणवत्ता दोनों स्तर पर काम किया जा रहा है। साथियों, लक्ष्य ये है कि हर राज्य तक एम्स पहुंचे और हर 3 लोकसभा क्षेत्र के बीच में एक मेडिकल कॉलेज जरूर हो। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि बीते 6 साल में एमबीबीएस के 31,000 नई सीटें और पोस्ट ग्रेजुएट में 24,000 नई सीटें बढ़ाई गई है। साथियों, हेल्थ सेक्टर में भारत जमीनी स्तर पर बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। अगर 2020 हेल्थ चैलेंजेस का साल था तो 2021 हेल्थ सॉल्यूशंस का साल होने वाला है। 2021 में विश्व स्वास्थ्य को लेकर से और ज्यादा जागरूक होकर समाधानों की तरफ बढ़ेगा। भारत ने भी जिस तरह 2020 में हेल्थ चैलेंजेस में से निपटने में अपना योगदान दिया है वो दुनिया ने देखा है। मैंने शुरू में इनका जिक्र भी किया है। साथियों, भारत
कि ये योगदान 2021 में हेल्थ सॉल्यूशंस के लिए, सॉल्यूशंस के स्केलिंग के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। भारत फ्यूचर ऑफ हेल्थ और हेल्थ ऑफ फ्यूचर दोनों में ही सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाने जा रहा है। जहां दुनिया को कॉम्पिटेंट मेडिकल प्रोफेशनल्स भी मिलेंगे, उनका सेवा भाव भी मिलेगा। यहां दुनिया को मास इम्यूनाइजेशन का एक्सपीरियंस भी मिलेगा और एक्सपर्टाइज भी मिलेगी। यहां दुनिया को हेल्थ सॉल्यूशंस और टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने वाले स्टार्टअप्स और स्टार्टअप इकोसिस्टम भी मिलेगा। ये स्टार्टअप्स हेल्थ केयर को एक्सेसिबल भी बना रहे हैं और हेल्थ आउटकम्स को इम्प्रूव भी कर रहे हैं। साथियों, आज हम सब ये देख रहे हैं कि बीमारियां अब कैसे ग्लोबलाइज हो रही है, इसलिए ये समय की है और ये समय है कि हेल्थ सॉल्यूशंस भी ग्लोबलाइज हो, दुनिया एक साथ आकर प्रयास करे, रिस्पॉन्ड करे। आज अलग थलग प्रयास, साइलोज में काम करना ये रास्ता काम आने वाला नहीं है। रास्ता है सबको साथ लेकर चलना, सबके लिए सोचना। और भारत आज एक ऐसा ग्लोबल प्लेयर है जिसने ये करके दिखाया है। भारत ने डिमांड के मुताबिक एडप्ट, इवॉल्व एंड एक्सपांड करने की अपनी क्षमता को साबित किया है। हम दुनिया के साथ आगे बढ़े, कलेक्टिव एफर्ट्स में वैल्यू एडिशन किया और हर चीज से ऊपर उठकर हमने सिर्फ और सिर्फ मानवता को केंद्र में रखा, मानवता की सेवा की। आज भारत के पास क्षमता भी है और सेवा की भावना भी है, इसलिए भारत ग्लोबल हेल्थ का नर्व सेंटर बनकर उभरा है। 2021 में हमें भारत की इस भूमिका को और मजबूत करना है। साथियों, हमारे यहां कहते हैं सर्वम अन्य परित्यज्य शरीरम पालयेदत, यानी सबसे बड़ी प्राथमिकता शरीर के स्वास्थ्य की रक्षा ही है। सब कुछ छोड़कर पहले स्वास्थ्य की ही चिंता करनी चाहिए। नए साल में हमें इस मंत्र को अपने जीवन में प्राथमिकता के साथ उतारना है। हम स्वस्थ रहेंगे तो देश स्वस्थ रहेगा। और हम ये भी जाने, जो फिट इंडिया मूवमेंट चल रहा है वो सिर्फ नौजवानों के लिए ऐसा नहीं है, हर उम्र के लोग ये फिट इंडिया मूवमेंट से जुड़ने चाहिए। और ये मौसम भी फिट इंडिया के अपने मूवमेंट को गति देने के लिए बहुत अच्छा है। कोई परिवार ऐसा ना हो, चाहे योग की बात हो चाहे फिट इंडिया की बात हो, हमें अपने आप को स्वस्थ रखना ही होगा। बीमार होने के बाद जो परेशानियां होती हैं, स्वस्थ रखने के लिए उतने प्रयत्न नहीं करने पड़ते हैं। और इसलिए फिट इंडिया, इस बात को हम हमेशा याद रखें, अपने आप को फिट रखें, अपने देश को फिट रखें, ये भी हम लोगों का कर्तव्य है। राजकोट के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, गुजरात के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये बात न भूलें कि कोरोना संक्रमण घट जरूर रहा है, लेकिन ये ऐसा वायरस है जो तेजी से फिर चपेट में ले लेता है। इसलिए दो गज की दूरी, मास्क और सैनिटेशन के मामले में ढील बिल्कुल नहीं देनी है। नया साल हम सभी के लिए बहुत खुशियां लेकर के आए। आपके लिए और देश के लिए नया साल मंगल हो।
लेकिन मैं ये भी कहूंगा, मैं पहले कहता था जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, बार बार कहता था। अब दवाई सामने दिख रही है, कुछ ही समय का सवाल है, तो भी मैं कहूंगा, पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं दवाई भी और कड़ाई भी, कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना। दुनिया यही कहती है, वैज्ञानिक यही कहते हैं, और इसलिए अब मंत्र रहेगा हमारा 2021 का, दवाई भी और कड़ाई भी। दूसरी एक बात, हमारे देश में अफवाहों का बाजार जरा तेज रहता है, भांति भांति के लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए, कभी गैर जिम्मेदार व्यवहार के लिए भांति भांति अफवाहें फैलाते हैं। हो सकता है जब वैक्सीन का काम प्रारंभ हो तो भी अफवाहों का बाजार भी उतना ही तेज चलेगा। किसी को बुरा दिखाने के लिए सामान्य मानवी का कितना नुकसान हो रहा है, इसकी परवाह किए बिना न जाने अनगिनत काल्पनिक झूठ फैलाए जाएंगे, कुछ मात्रा में तो शुरू भी हो चुके हैं। और भोले भाले गरीब लोग या कुछ बद इरादे से काम करने वाले लोग बड़े कन्विक्शन के साथ इसको फैलाते हैं। मेरा देशवासियों से आग्रह होगा कि कोरोना के खिलाफ एक अनजान दुश्मन के खिलाफ लड़ाई है, अफवाहों के बाजार गर्म न होने दें। हम भी सोशल मीडिया में कुछ भी देखा भी ना फॉरवर्ड न करें। हम भी एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में आने वाले दिनों में देश के अंदर स्वास्थ्य का जो अभियान चलेगा, हम सब अपनी तरफ से योगदान दें, हम सब अपनी तरफ से जिम्मेवारी उठाएं, और जिन लोगों के लिए पहले ये बात पहुंचानी है उनमें हम पूरी मदद करें। जैसे ही वैक्सीन का मामला आगे बढ़ेगा, देशवासियों को समय पर उसकी सूचना मिलेगी। मैं फिर से एक बार 2021 के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अने राजकोटना मारा भाइयों बहनों ने आज घना समय मैंने फरी दर्शन करने मौको मिलो है, खासी मोटी संख्या में अपना बदा दर्शन थी रहा है, आपना आशीर्वाद मिली रहा है, मारा माटे दुखनी पण घड़ी है, कारण के मारा एक अच्छा मित्र भाई अभय भारद्वाज एमने अमे गुमावी दीदा, कोरोना ने कारणे गुमावी दीदा। आजे जारे राजकोट वासीओनी वच्चे आव्यो छुं त्यारे भाई अभयनु स्मरण थवुं बहु स्वाभाविक छे, हुं एमने आदरपूर्वक श्रद्धांजलि पण आपुं छुं। अने फरी एक वार राजकोट वासीओने, गुजरात वासीओना, एम्स गुजरातना कोने कोनाना लोको माटे छे, सौ गुजरात वासीओने एम्स माटे अनेक अनेक शुभकामनाओं, नवा वर्ष की खूब खूब शुभकामनाओं, धन्यवाद। अलीगढ़ शहर का नंबर वन कार डेकोर श्रीनाथ कार डेकोर, यूनियन बैंक के पास जीटी रोड अलीगढ़, मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव श्रीवास्तव। अलीगढ़ का नंबर वन बैटरी सर्विस हिंद बैटरी सर्विस, प्रशांत कुमार की अलीगढ़ की जानी मानी बैटरी सेवर प्रदत्त कंपनी बन चुकी है। ग्राहकों की प्राथमिकता की सहूलियत देखते हुए सदैव डिफेक्ट बैटरी को अपने काउंटर से ही रिप्लेस करते हैं। सभी तरह की कंपनियों की बैटरियों का एकमात्र विश्वसनीय मल्टी ब्रांड शोरूम हिंद बैटरी सर्विस। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN न्यूज।